हे गाइस, वेलकम टू वेब डेव क्लाउड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट S3 बकेट पर कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट मीन्स ऐसी वेबसाइट जिसमें सर्वर साइड कुछ इंटरफेस नहीं होता, जैसे कि PHP, .NET, Python या ऐसा कुछ इंटरफेस नहीं होता। वेबसाइट जो कि प्योरली सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनती है। तो चलिए देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट S3 बकेट पे कैसे होस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक स्टैटिक वेबसाइट या वेब टेम्पलेट, आप जो भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे मैं अभी मैंने लोकल में चल रहा है, आप यहाँ पे पाथ देख सकते हैं, ये मेरे लोकल होस्ट में है। और बेसिकली ये एक सैम्पल टेम्पलेट है, सैम्पल वेबसाइट है, जिसमें कुछ भी सर्वर साइड कुछ भी नहीं है। यहाँ से अलग अलग पेजेस है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है। बेसिकली ये इस पाथ पे अभी इस पाथ से ब्राउज़र में से चल रही है। तो यही वेबसाइट हमें इंटरनेट पे होस्ट करनी है S3 बकेट के थ्रू। तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले AWS में, AWS कॉन्सोल पे S3 बकेट सर्विस में चले जाते हैं। यहाँ से सर्च कर लेते हैं S3, और यहाँ से S3 में बकेट। अभी हम यहाँ एक नया बकेट क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये सब फाइल कॉपी करके उसको ऐसे वेबसाइट होस्ट करेंगे। तो यहाँ से क्रिएट बकेट, बकेट नेम शुड बी ग्लोबली यूनिक, सो लेट्स से स्टैटिक वेबसाइट टेम्पलेट ब्ला ब्ला -123, जस्ट इन केस इट शुड बी यूनिक। तो यहाँ से अभी डायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं, बाद में देखते हैं कि कौन से पैरामीटर हमें एडिट करने हैं। ओके, तो अभी बकेट क्रिएट हो गया है, ये वाला स्टैटिक वेबसाइट टेम्पलेट ब्ला ब्ला -123। अभी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने के लिए ये बकेट का पब्लिक होना ज़रूरी है, ताकि जो भी वेबसाइट होस्ट हम इस पे करें वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, पोर्ट 80 पे एक्सेसिबल हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे सबसे आखिर में एक ऑप्शन है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का, तो इसको हमें इनेबल करना है। अभी बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड है, क्योंकि बकेट का मेन यूजेज है कि आपकी जो प्राइवेट फाइल्स है उसको एज ए स्टोरेज यूज़ कर सकें। तो यहाँ से इसको एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे एनेबल कर देते हैं। जैसे ही इसको एनेबल करेंगे, दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है होस्ट स्टैटिक वेबसाइट, और यहाँ पे इंडेक्स डॉक्यूमेंट जो कि बाय डिफॉल्ट होता है index.html, तो यहाँ से हम दे देते हैं index.html। और ये एरर डॉक्यूमेंट है जो कि ऑप्शनल है, तो फिलहाल के लिए इसको ब्लैंक रख देते हैं, और यहाँ से चेंजेस सेव कर लेते हैं। और ये एक मेन चेंजेस हो गया। जैसे ही ये चेंज करते हैं, ये बकेट हमें एक URL जनरेट करके देता है जिसपे कि हमारी साइट का जो मेन पेज है वो डिस्प्ले हो सके। तो अभी के लिए ये URL जनरेट हो गया। दूसरे चेंज में अगर हम देखें तो हमें जाना है परमिशंस में, और जहाँ जहाँ से ये बकेट के पब्लिक और एक्सेस रिलेटेड सेटिंग है उसको इनेबल करना है। यहाँ पे अभी ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑन है, मतलब कुछ भी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, तो इसको हमें चेंज करना है। यहाँ से अनचेक कर देना है सारे ही ऑप्शन को, क्योंकि हमें ये बकेट को फुल्ली पब्लिक रखना है वेबसाइट होस्ट करने के लिए। यहाँ से सेव चेंजेस और कंफर्म। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आपको कोई सेंसिटिव फाइल्स या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो ऐसे केस में आप बकेट को प्राइवेट रखेंगे, ना कि ये पब्लिक एक्सेस एनेबल करेंगे। तो ये एक खास या ध्यान रखने की बात है। यहाँ से कंफर्म। ओके, अभी हमारा बकेट है वो ऑलमोस्ट पब्लिक हो गया है। हमें सिर्फ एक पॉलिसी ऐड करनी है, बकेट पॉलिसी,
जो कि यहाँ पे से हम एडिट कर सकते हैं बकेट पॉलिसी के ऑप्शन में से, यहाँ पे एडिट, और हमें एक बेसिकली बकेट पॉलिसी जो लगानी है वो, लेट्स सर्च ओवर द इंटरनेट, S3 बकेट पॉलिसी फॉर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। यस, तो यहां से एक लिंक दी गई है स्टैक ओवरफ्लो में से, और एड ए बकेट पॉलिसी, ये रही, ये बकेट पॉलिसी बेसिकली हमें S3 के बकेट में मेंशन करनी है। कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे बकेट नेम में हमारा बकेट नाम जो है उससे रिप्लेस करना है, तो ये हमारा बकेट नेम है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे बकेट नेम रिप्लेस बाय अवर बकेट नेम, कंट्रोल वी, ओके, और यहाँ से सेव चेंजेस। ओके, अभी हमारा बकेट है वो फुल्ली पब्लिक हो गया है, जैसे ही हम इसमें कुछ भी अपलोड करेंगे वो यहाँ पे जो URL जनरेट हुआ है उससे एक्सेस हो पाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे अभी बकेट में एज ए ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ वो URL से एक्सेस होने लग गया। तो अभी हमारे लोकल में चले जाते हैं और यहाँ से टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं। अभी ये सारे जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सारी जो फाइल्स है, उसको हमें S3 बकेट में अपलोड करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि AWS CLI के थ्रू S3 बकेट में कैसे फाइल्स और फोल्डर्स अपलोड कर सकते हैं, तो उसी की हेल्प से S3 बकेट पे ये सब फाइल्स और फोल्डर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे बकेट नाम हमारा, और ओके, ये कमांड कॉपी कर लेते हैं, और लेट्स चेक, ओके, यही हमारा पाथ है। बेसिकली ये क्या करेगा, AWS S3CP एक कमांड है जो लोकल से S3 बकेट पे, या तो फिर S3 बकेट से लोकल पे हमें कुछ भी ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। तो अभी के लिए ये HTML के अंदर जो भी फाइल्स या फोल्डर है वो हमें रिकर्सिवली इस बकेट पे कॉपी करना है, मतलब ये सारी फाइलें या फाइल्स एंड फोल्डर्स बोथ। सो यहाँ से जाके हम एंटर कर देते हैं, तो अभी ये अपलोड होना स्टार्ट कर देगा। बकेट में जाके हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ओके, अभी फाइल्स अपलोड होना चालू हो गई है, देखते हैं, ओके, सब फाइल्स और फोल्डर्स बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो अभी ये जो URL जनरेट हुआ है उस पे से जाके देखते हैं कि ये जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट है वो एक्सेस हो पाती है या नहीं। यहाँ से नई टैब में, फायरफॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। पेस्ट इट अगेन। लेट्स कॉपी वंस मोर टाइम। Copy and paste here. Okay, तो हमारी जो साइट है जो कि हम अभी तक लोकल में रन कर रहे थे ये पाथ पे, वो अभी इंटरनेट से एक्सेसिबल है वाया S3 बकेट। ये पूरी वेबसाइट S3 बकेट पे होस्टेड है, इसके लिए कोई भी इंस्टेंस या सर्वर कुछ भी प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ S3 बकेट ही मैनेज कर लेता है। सिर्फ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि
सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट की जो प्रॉपर्टीज़ में से जो सेटिंग्स है वो एनेबल करनी है, तो एक URL है वो अपने आप जनरेट करके दे देगा। दूसरे स्टेप में परमिशन में जो कोई भी परमिशन है उस सबको पब्लिक कर देना है, यहाँ से एडिट करके सब जो चेकबॉक्स है उसको अनचेक करके पब्लिक कर देना है। और तीसरे स्टेप में ये जो फिक्स एक बकेट पॉलिसी है वो इसमें मेंशन कर देनी है विथ योर ओन बकेट नेम। सो ये 3 स्टेप्स है और बाकी जो भी आप अपलोड करेंगे वो URL से एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, तो ये अभी हमारी ये वेबसाइट है, यहाँ से दूसरे पेज में भी जा सकते हैं। लेट्स से मेंस क्लोथ्स, तो अभी ये उसका पेज आ गया, ये कॉन्टैक्ट। तो अभी ये पूरी हमारी जो स्टैटिक वेबसाइट है वो इंटरनेट पे फंक्शनल है। अभी जो एक स्टेप रह गया था या हमने बाकी छोड़ दिया था वो था कि स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के ऑप्शन में हमने जो एरर डॉक्यूमेंट है वो ब्लैंक रखा था फिलहाल के लिए। एरर डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अगर सपोज यहाँ से मैं कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट एक्सेस करता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है, लेट से समथिंग लाइक दिस, सो वो क्या करेगा कि एक 404 नॉट फाउंड की एरर थ्रो करेगा। अगर ये 404 नॉट फाउंड की एरर मुझे कस्टमाइज पेज पे दिखानी है तो उसके लिए यहाँ पे मुझे एक एरर डॉक्यूमेंट मेंशन करना है। तो क्या करेगा कि 404 ये जो डिफॉल्ट पेज है उसकी जगह पे यहाँ पे मैं जो डॉक्यूमेंट मेंशन करूँगा वो दिखाएगा। तो उसके लिए लेट्स जस्ट मेक वन एरर टेम्पलेट हियर एंड देन अपलोड इट ऑन S3 बकेट। लेट्स से sudo vi error.html। और यहां पे हमारा कस्टमाइज एरर पेज क्रिएट कर लेते हैं। This is custom error page. Okay, तो ये हमारा एक एरर पेज क्रिएट हो गया। अभी ये एरर पेज को हम S3 बकेट पे अपलोड कर देते हैं ये कमांड के थ्रू। और अभी हमें सिर्फ error.html को ही कॉपी करना है, error.html। तो अभी इसके लिए रिकर्सिव नहीं चाहिए। ओके, अपलोड हो गया है, चलिए वहां पे देख के कंफर्म कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा error.html पेज है वो आ चुका है। तो अभी हमें प्रॉपर्टीज में जाके ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग में एंटर करके यहाँ पे दे देना है error.html और यहाँ पे है सेव चेंजेस। तो अभी यहाँ पे 404 आ रहा है, उसकी जगह पे आएगा हमारा खुद का कस्टम एरर पेज। बेसिकली कुछ भी मैं ऐसा एक्सेस करने की ट्राई करूँगा जो कि हमारे S3 बकेट में एग्जिस्ट नहीं है तो वहाँ पे एरर दिखाएगा और एरर रिडायरेक्ट होगा हमारे error.html डॉक्यूमेंट पे। बेसिकली वहाँ पे हम index.html भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि अगर कोई भी एक ऐसा पेज एक्सेस करने की ट्राई करे जो S3 बकेट में एग्जिस्ट ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे index.html ही शो कर दे। तो वो सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं, बेसिकली error.html की जगह पे एरर डॉक्यूमेंट में भी index.html हम मेंशन कर सकते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पे index.html। तो एज ए एरर डॉक्यूमेंट भी index.html ही दिखाएगा। जैसे अभी यहाँ पे सर्च करता हूँ test1234 या कुछ भी जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं है।
ओके अभी आ गया है होम पेज पे। बेसिकली एक कैश में से आ रहा होगा ब्राउज़र की। अभी यहाँ पे से कुछ भी एक्सेस करूँगा तो वो हमें ले जाएगा हमारे इंडेक्स पेज पे। अभी ये ब्राउज़र की कैश के कारण ये पुराना पेज दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जे के कुछ गारबेज एंटर किया है और हमें index.html पे लेकर आया है ये। तो ये था कि हम S3 बकेट से स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट करें। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।